हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन से ए बॉक्स हैज फाइव ब्लू एंड फोर रेड बॉल्स। ओके, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम बट नॉट रिप्लेस्ड। ओके, इट्स कलर इज ऑल्सो नोटेड। ओके, देन अनदर बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल बियइंग ब्लू? ओके, सो गिवन ए बॉक्स हैज फाइव ब्लू एंड फोर रेड बॉल्स। ओके, ठीक है ना। तो टोटल बॉल्स की बात करें तो क्या है हमारे पास, टोटल हमारे पास कितनी है, नाइन। ओके बॉल्स। ओके चलिए, तो अब हमने कहा कि इवेंट ई वन की जो फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लू। ओके, एंड ई टू इवेंट हमने क्या कह दिया कि ई टू इवेंट हमने क्या कह दिया कि जो फर्स्ट बॉल है ड्रॉन इज रेड। ओके, एक हम लेते हैं इवेंट ई। इवेंट ई हमें क्या चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी आएगी सेकेंड बॉल भी आएगी ब्लू। ओके, तो सेकेंड बॉल भी आएंगे ब्लू। ओके चलिए, तो यदि अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन की बात करूं तो वो क्या आएगी, मेरे पास ब्लू बॉल है तो ब्लू बॉल कितने हैं मेरे पास, फाइव है, यानी कि फेवरेबल बाय टोटल। तो फेवरेबल मेरे पास फाइव है आउट ऑफ नाइन। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू की बात करोगे तो क्या जाएगा, रेड बॉल दैट इज फोर बाई नाइन। ओके, अब देखिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल बीइंग ब्लू गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लू, यानी कि फर्स्ट बॉल जो मैंने ड्रॉन की है वो भी ब्लू है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो फर्स्ट बॉल तो हमने जो ड्रॉ की है वो क्या है, ब्लू है, दैट मीन्स फोर। अब मेरे पास ब्लू बॉल्स कितनी है, फोर, और मेरे पास फोर ही रेड बॉल है, यानी कि फोर बाई एट। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट ई टू, यानी कि जो फर्स्ट बॉल हमने ड्रॉन किया वो क्या है, रेड है, यानी कि अब हमारे पास सेकेंड केस में बात करूँ तो रेड मेरे पास थ्री है बट ब्लू तो मेरे पास अब भी फाइव ही है, यानी कि फाइव बाई एट। ओके चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कि सेकेंड बॉल हमारे पास क्या हो, ब्लू, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू जो फर्स्ट बॉल है वो ड्रॉन की वो रेड है गिवन दैट सेकेंड बॉल इज व्हाट, सेकेंड बॉल इज ब्लू गिवन दैट फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन इज रेड। ओके चलिए, तो आप इसमें अब क्या करिए, अपना इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आएंगे वैल्यूज। ओके, तो वैल्यू हम पुट करेंगे अब, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन हमारे पास कितनी है, फाइव बाई नाइन है, तो पुट कीजिए फाइव बाई नाइन मल्टीप्लाई फोर बाई एट। ओके, ये नाइन है प्लस ई टू, ई टू हमारे पास कितनी है, फोर बाई नाइन है प्लस e by e2 that is 5 by 8। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन भी है, ठीक है ना। चलिए, तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 72, और ऊपर हमारे पास 20, अगेन 20 by 72 यानी कि 40 by 72, 2 की टेबल से देखो कितनी बार आ जाएगा हमारे पास, 20 by 36। ओके, अगेन फोर के टेबल से भी तो 5 बाई 9। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल एज सेकेंड चांस इज 5 बाई 9। ओके चलिए, तो यहां पे लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। ठीक है, एक बार देखो कैलकुलेशन वापस चेक कर लेता हूँ,
देखो 5/9 और 4/8 एंड 5/9 एंड ठीक है ओके। चलिए तो ये कितनी आ गई हमारे पास 5/9 ओके 5/9 ओके। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।